प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थी नाम में आपको जय मसीह की। बाइबल अध्ययन श्रृंखला के इस सत्र के अंदर आपका स्वागत है। हम लोग पहला तिमोथी उसको लिखी हुई पत्री उसके पहले अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने पिछले सत्र के अंदर तिमोथियुस के विषय में चर्चा करी थी और उससे एक परिचय लिया था और समझने का प्रयास किया था कि वो सेवा में कैसे आया, उसने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ उसने यात्राएं करी और उसके अलावा उसका चरित्र, उसका स्वभाव, उठना बैठना कैसा था, उसके बारे में अपन अध्ययन किया। और हमने ये भी जाना कि पौलुस रोम के अंदर 2 साल के कारावास के पश्चात रिहा होकर अलग अलग जगह जाकर सेवकाई कर रहा है और उस सेवकाई के दौरान उसने एफेसुस शहर के अंदर तिमोथियुस को ठहरने के लिए कहा है और फिर उससे ये कहता है कि मैं तेरे पास शीघ्र आऊँगा, लेकिन तब तक तू यहीं पर रहे और जो कुछ मैं इस खत में, इस पत्र में लिखूँगा उसको तू शहर के अंदर तू पूरा करता चला जा। तो आप ये पृष्ठभूमि याद रखेंगे, पौलुस ने तिमोथियुस को ये खत लिखा है और उससे एफेसुस में ठहराया है कि वहाँ की कलीसियाओं की देखरेख वो करे। और इस बात को याद रखते हुए आइए अपन पहली आयत से पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से। अपनी पत्रियों की शुरुआत पौलुस अलग अलग तरीके से करता है और हर बार अपनी बुलाहट के विषय में वो बात करता है, अपने प्रेरित होने के विषय में वो बात करता है और वो याद दिलाता है कि वो कौन है, उस सेवा में कैसे आया और उसको ये जिम्मेदारी किसने दी, मुझे और आपको याद दिलाता है। तिमोथियुस को याद दिलाते वो ये कहता है, पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार। उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमने तो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह सुना है लेकिन पौलुस क्या बोल रहा है, उद्धारकर्ता परमेश्वर। यहाँ पर आप देखिए, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह समतुल्य हैं, बराबर हैं, इसलिए उसी शब्द को लेकर वो परमेश्वर के लिए प्रयोग करके कहता है उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार। आशा के आधार मसीह यीशु, मसीही विश्वास, मसीही जीवन, यीशु पंथ, जैसे हमने प्रेरितों के काम में सीखा था। आप जानते हैं कि इसकी आधारशिला ही प्रभु यीशु मसीह द्वारा दी जाने वाली आशा है, यानी कि मसीही आशा। तो देखिए, हमारी आशा के आधार यीशु की आज्ञा से। मूल शब्द जो वहां पर आया है, वहां पर लिखा है यीशु की राज आज्ञा से, यीशु की बड़ी आज्ञा से, महान आज्ञा से। महान आदेश आपको याद आया होगा, यीशु की महान आदेश के आधार पर, यीशु की आज्ञा से। मसीह यीशु का प्रेरित है, मसीह यीशु का प्रेरित है। ये शब्द प्रेरित जो है आज की तारीख में हर जगह लोग उसको उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मूलतः शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने फिरने वाले उन 12 के लिए प्रयोग किया गया था जिन्होंने यीशु को देखा था, उसकी सेवा ली थी, उसके साथ सेवा की थी, चमत्कारों को देखा था, शिक्षाओं को प्राप्त किया था। और अब पौलुस अपने विषय में कहते हुए क्या कह रहा है, मसीह यीशु का प्रेरित, मसीह यीशु का प्रेरित। प्रेरित होने के कई चिन्ह यहां पर मुझे और आपको देखने को मिलते हैं, मैं आपको कुछ बताता हूं। पहला कुरिन्थी 9 का 1 देखिए, पहला कुरिन्थी 9 अध्याय उसकी पहली आयत। क्या मैं स्वतंत्र नहीं, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा। देखिए, तो एक कंडीशन ये थी कि जिसने यीशु को देखा था उस समय पर वे प्रेरित कहलाए। तो पौलुस कहता है दमिश्क के रास्ते में जाते समय मुझे भी यीशु का दर्शन हुआ था, मैंने भी अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को देखा था, इसलिए मैं प्रेरित हूँ। लेकिन एक और बात आप देखिए, गलातियों को लिखी हुई पत्र इसके पहले अध्याय की पहली आयत में भी एक और बात वो वहां पर हमसे कहता है। गलातियों की लिखी हुई पत्री पहला अध्याय उसकी पहली आयत, पौलुस की जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा,
वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है। वो कह रहा है मुझे ये पदवी मनुष्यों ने नहीं दी, और अगर मनुष्य देते तो वो ले सकते थे, लेकिन मुझे ये पदवी किसने दी? यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा मिली है। मुझे पदवी भी प्रभु के द्वारा मिली, मुझे सेवा भी प्रभु के द्वारा मिली। अब मैं आपको एक और आयत देता हूं, दूसरा कुरिन्थियों 12:12। देखिए, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए। देखिए, प्रेरित के लक्षण, नाम होना काफी नहीं, लेकिन लक्षण क्या है? देखिए, धीरज सहित चिन्ह और अद्भुत काम और सामर्थ्य के कामों के द्वारा मैंने अपने आप को तुम्हारे मध्य में पेश किया। कुरिन्थ को लिखते वो कहता है, तो मैंने लक्षण दिखाए तुम्हारे मध्य में प्रेरित के, मैंने मेरी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को देखा, और उतना ही नहीं, मुझे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ने ये सेवकाई दी है, मेरी नियुक्ति ही ऊपर से हुई है मानो। तो देखिए, यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है। अब दूसरी आयत, तिमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर, परिचय के अंदर बताया था कि तिमुथियुस के पिता यूनानी था, और जब पौलुस वहां पहुंचता है तब तक उसका जिक्र हमको नहीं मिलता, इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसके पिता शांत हो गए होंगे, और इसलिए अब उसको मानो अपने परिवार में लेता है, गोद लेता है, आत्मिक पुत्र के रूप में उसको अपना बनाते हुए पौलुस तिमुथियुस के लिए कहता है, मेरा सच्चा पुत्र, मेरा सच्चा पुत्र। टेक्नोन शब्द यूनानी में आया, यानी कि पुत्र भी हो सकता है, संतान अगर अपन कह सकते हैं, तो ना तो स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग, टेक्नोन मेरा सच्चा संतान, लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं मेरा सच्चा पुत्र। और वो कई जगह आया, उसका विवरण मैंने आपको पिछले सत्र में बताया। खैर, एक जगह और बता दूं, पहले अध्याय की 18 आयत में भी आएगा, हे पुत्र तिमुथियुस, पुत्र तिमुथियुस, माय सन, माय बिलवड सन, मेरा प्रिय पुत्र पौलुस तिमुथियुस को कहेगा। फिर आप देखिए, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। तीन बातें, अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे, एक बार मिले ऐसा नहीं, मिलती रहे। उस समय की चिट्ठियों के अंदर की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही होती थी, जो लिख रहा है उसका नाम पहले, जिसको लिखा जा रहा है उसका नाम बाद में, और उसके बाद सलाम दुआ, ऐसे चिट्ठियों में लिखा करते थे। और आम ये दो शब्द वे लोग उपयोग करते थे, अनुग्रह और शांति, अनुग्रह और शांति। लेकिन पौलुस एक और शब्द उसमें बीच में घुसा कर कहता है, दया और शांति। तीन बातें, अनुग्रह, दया और शांति। आप सुन रहे हैं ना, आपके ऊपर मैं यही कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह, दया और शांति। अनुग्रह क्या है? जिसके योग्य मैं नहीं था, जब मुझे मिल जाए वो अनुग्रह। दया क्या है? जिसके योग्य मैं था, जब मुझे ना मिले, उदाहरण के लिए मृत्युदंड या पाप का दंड, जिसके योग्य मैं था और जब मुझे ना मिले वो दया है। और शांति क्या है? किसी ने इस प्रकार बोला, समस्याओं का अभाव नहीं है शांति, शांति का सच्चा अर्थ है मन के अंदर वो तसल्ली कि सब कुछ मेरा परमेश्वर देख लेगा, सब कुछ मेरे लिए मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। तो आप भी जब वचन सुन रहे हैं, आपके ऊपर यही सलामती की घोषणा मैं करना चाहता हूँ, क्या है? आपके ऊपर अनुग्रह, दया और शांति। चलिए लौट कर आते हैं, पत्र लिख रहा है पौलुस तिमुथियुस को लिख रहा है, जो एफेसस के अंदर अभी है, और उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि कलीसियाओं की देखरेख करें। लेकिन आगे देखते हैं पौलुस उसे क्या कहता है। सो तीसरी आयत, जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि एफेसस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दें, अन्य प्रकार की शिक्षा न दें। जैसे मैंने, पौलुस ये जो मैं शब्द है इस पहले अध्याय के अंदर तीन बार प्रयोग करेगा, मैंने, यानी कि एक पर्सनल टच तिमुथियुस को दे रहा है, और कह रहा है जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि एफेसस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे। मैंने आपको पहले पृष्ठभूमि में बताया, ये दोनों एफेसस आए होंगे, वहां पर पौलुस ने तिमुथियुस को बोला तो यहीं रहे,
मैं आगे की ओर जा रहा हूँ, मकिदुनिया जा रहा हूँ, और फिर जैसे मैंने मकिदुनिया जाते समय तुझे समझाया था कि एफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे। ये जो शब्द है ना आज्ञा, बार बार आएगा। आदेश दे, आज्ञा दे, अधिकार के साथ सिखा। तिमोथियुस के स्वभाव के विषय में हमने पिछले सत्र में देखा कि वो बोलने में शर्मिला, थोड़ा हिचकिचाने वाला, बड़ों से कैसे बात करूं, उनसे क्या बोलूं, उनको क्या लगेगा, ऐसे सोचने वाले व्यक्ति को पौलुस हिम्मत दिलाते हुए कह रहा है, तू उनको समझा, उनको आज्ञा दे, उनको आदेश दे। यही शब्द आपको 18 के अंदर भी मिलेगा, पहले अध्याय के 18 में वहाँ लिखा है, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ, आई गिव यू दिस ऑर्डर, मैं तेरे को आदेश देता हूँ। दैट मीन्स तू हिम्मत रख और तू आदेश दे, तू आज्ञा दे, तू सोच मत कैसे बोलूं, क्या करूं, जो मैं बोल रहा हूं तो उनको हिया और हिम्मत के साथ समझा और उनको आदेश दे। क्या आदेश दे? कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दें, यानी कि जो शिक्षा दी गई है उससे भटकने का प्रयास न करें। कुछ इधर की कुछ उधर की, कहीं से सुन लिया, कहीं देख लिया, कहीं पढ़ लिया, उन शिक्षाओं को लाकर तू कलीसियाओं में मत दे, उनको रोक। मानो पौलुस तिमोथियुस को कह रहा है, वापस पढ़ूं मैं, जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे। शिक्षा क्या है? शिक्षा शब्द एजुकेशन से इसका मतलब यहां पर नहीं है, लेकिन शिक्षा का मतलब विश्वास, धरोहर है, सत्य, सच्चाई, सुसमाचार, उससे जुड़ा हुआ यह शब्द है यहां पर जब पौलुस उसको इस्तेमाल करता है। तो अन्य प्रकार की वे लोग शिक्षा न दें। चौथी आयत, और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं। कहानियां और अनंत वंशावलियां, हुआ यूं होगा वहां पर पुरानी बातों को लेकर, वंशावलियों को लेकर थोड़ा तोड़ मरोड़ कर वे लोग सुसमाचार में मानो पानी मिला रहे थे, सच्चाई को वो लोग बिखेर रहे थे। और जो पौलुस सिखा कर गया था, आपको याद होगा तीसरी प्रचार यात्रा के अंदर करीब 3 साल पौलुस एफेसुस में रहकर वहां पर उसने सेवा दी, और अब कुछ साल निकल गए और उसने उसी समय कहा था, मेरे जाने के बाद यहां पर और भी लोग आएंगे जो तुम्हें गलत शिक्षा को देंगे, और कुछ कुछ ऐसा ही वहां पर हो रहा था। अब देखिए, और उन कहानियों, मतलब कहानी मतलब जो उसमें सच्चाई कुछ है ही नहीं, उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं जिनसे विवाद होते हैं। ऐसी शिक्षा हमको नहीं चाहिए जिससे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूं, 5वीं आयत, आज्ञा का सारांश यह है। बहुत सुंदर तरीके से पौलुस कहता है, आज्ञा का सारांश यह है, 3 बातें वो कहेगा। आज्ञा का सारांश यह है, शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। साहब, प्रेम उत्पन्न हो। 3 बातें वापस बोलूं, 5वीं आयत में मैं हूं, शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से क्या उत्पन्न हो? प्रेम उत्पन्न हो। खरी शिक्षा प्रेम उत्पन्न करती है, लोगों को तोड़ती नहीं है, जोड़ती है। झूठी शिक्षा लोगों को बिखेरती है। इसलिए पौलुस तिमोथियुस को यह समझा रहा है, तू न केवल उन लोगों को रोक जो नई शिक्षाएं लेकर आ रहे हैं या अन्य प्रकार की शिक्षाएं लेकर आ रहे हैं, न केवल उनको रोक, लेकिन ऐसा कुछ कर जिससे लोगों के बीच में प्रेम उत्पन्न होने पाए। और वो कैसे होगा? शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास के द्वारा ये होगा। एक बार और बोले, शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास। चुनौती है मेरे लिए और आपके लिए भी, शुद्ध मन रखना। जमाना आपको गिराना चाहता है, आपके ऊपर कीचड़ डालना चाहता है, आपको देखना चाहता है आप कैसे रिएक्ट करोगे, हैं? आपको प्रलोभित करता है संसार, उसके मध्य में भी पौलुस तिमोथियुस को कह रहा है और हमसे भी कह रहा है, मानो क्या कह रहा है? शुद्ध मन, अच्छे विवेक और साथ ही साथ कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होने पाए। 6वीं आयत, इनको छोड़कर या इसको छोड़ने के कारण
कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए। और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं है। इससे ज्यादा मैं आपको क्या समझाऊं। पौलुस बोल रहा है ये लोग जो सिखा रहे हैं अन्य शिक्षाएं लेकर आ रहे हैं, ना तो इनको जीना आता है और बस सिखाना आता है, ना उनको कुछ समझ में आता है। इसलिए वो कहता है जो बातें कहते हैं और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते ही नहीं, उनको समझते नहीं। क्यों नहीं समझते? क्योंकि उन्होंने कहीं से सुना, उसका आधार उनके पास नहीं है और बस यहाँ पर लाकर कुछ नई बात है, कुछ अन्य शिक्षा है, उस रीति से विश्वासियों के मध्य में उसे पेश करते हैं। आठवीं आयत, पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वो भली है। व्यवस्था की बात आ गई वापस। व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वो भली है। व्यवस्था यानी कि पुराने नियम के अंदर 10 आज्ञाएं मनुष्य को सीमित करने के लिए नहीं। कुछ लोग आज भी कहते हैं ना पुराने नियम की बातें नए नियम में लागू नहीं होती। कैसे लागू नहीं होती? पुराने नियम के अंदर 10 आज्ञाएं हैं। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसका स्टैंडर्ड कम नहीं किया, उसका स्तर कम नहीं किया, उसका स्तर और बढ़ा दिया। लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है यहां पर। कुछ लोग कहते हैं ये तो व्यवस्था है, ये तो पुराना नियम, हमको नहीं, हम तो यीशु के पीछे चलेंगे। व्यवस्था के बिना प्रभु यीशु की शिक्षाएं अधूरी है, वो नींव के समान है। प्रभु यीशु मसीह की सेवा उसके ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा मैं व्यवस्था को हटाने नहीं उसको पूरा करने के लिए आया हूं। देखिए यहां पर पौलुस एक लंबी सूची देगा, ऐसे लोगों की सूची जिनके लिए व्यवस्था बनाई गई है, यानी कि कानून जो तोड़ते नहीं है उनको तो व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जो कानून तोड़ते हैं उनके लिए व्यवस्था चाहिए। ट्रैफिक लाइट की बात कर लीजिए, आप तसल्ली से चलाते हैं, दूसरों को जगह देते हैं, आप रुकते हैं, तो आपको फिर लाल और ग्रीन और ऑरेंज की जरूरत नहीं। आप जा रहे हैं, दूसरी गाड़ी को देख लिया, राइट से आ रही है, आप उसको जाने देते हैं। लेकिन सिग्नल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि हम पहले जाएंगे, नहीं मैं पहले आया, उस स्वभाव के लिए सिग्नल लगाया जाता है। उसी प्रकार है नियम भी, व्यवस्था भी। और उसकी सूची देखिए क्या है सूची, ये जानकर कि, नवी आयत में मैं हूं, ये जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, सुनिए आप, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, सूची आगे चल रही, देखिए, मां बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों। और इनके अतिरिक्त, इस सूची में अगर कुछ छूट गया तो पौलुस कहता है, और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। व्यवस्था इन लोगों के लिए ठहराई गई है जो व्यवस्था के खिलाफ जाते हैं, खरे उपदेश के खिलाफ जाते हैं, जो सच्चाई को नहीं चाहते, प्रेम नहीं चाहते। वे लोग कहते हैं हम बड़े हैं, हमारी बात सुनो, हम कहेंगे, वैसा होना चाहिए। अपनी बात को पेश करने वालों के लिए पौलुस तिमोथियुस को कहता है उनको समझा कि अन्य ये शिक्षाओं को लेकर ना आए, जो सिखाया गया है उसी के अधीन रहने के लिए पौलुस तिमोथियुस को कहता है। आगे देखिए 11वीं आयत, यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। पौलुस कहता है यह सुसमाचार मुझे सौंपा गया और ये बातें अब तक तो जो मैंने तुझसे कही हैं उस सुसमाचार के अनुसार है। ठीक है, तो ये हो गया पहला भाग, तीसरी आयत से लगाकर 11वीं आयत तक। उसके बाद दो भाग और हैं, 12 से लगाकर 17 आयत तक और फिर 18 से लगाकर 20 आयत तक। तो पहले अध्याय के अंदर नमस्कार के बाद यानी कि शुरुआती अभिवादन के बाद तीन भाग हैं। पहले भाग में हमने झूठे शिक्षकों के विषय में हमने देखा, अब दूसरा भाग हम देखेंगे और उसके बाद तीसरा भाग भी देखेंगे। अब 12वीं आयत को अपन मिलकर पढ़ते हैं। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। बहुत गहरी और गंभीर बात सुनिए। मैं, वापस ये शब्द आ गया, मैंने आपको पहले बोला
तिमोथियुस को पत्री लिख रहा है, उसको याद दिला रहा है क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। पहले भी उसने कहा था, जैसे मैंने मकिदुनिया जाते समय, अब फिर वो कह रहा है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, आगे देखेंगे क्यों सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। एक सवाल इसमें उठता है, क्या पौलुस इतना विश्वास योग्य था, इतना अच्छा था कि परमेश्वर ने बोला चलो इसको मैं मेरा काम दे देता हूं? नहीं। इसलिए अब आपको समझ में आएगा सामर्थ क्यों दी। परमेश्वर ने उसको सामर्थ दी कि वो विश्वास योग्य बन सके और फिर परमेश्वर से सेवा प्राप्त कर सके। कितनी अच्छी बात। कभी कभी मैं ऐसे प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं आपसे प्रेम कर सकूं, वो आप सामर्थ्य मुझे दो। क्योंकि कभी कभी दिल मानता नहीं, भटक जाता इधर उधर, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो हम तो कभी कभी ये प्रार्थना भी नहीं कर पाते, प्रभु मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं या मैं प्रेम करता हूं। मैं होंठों से कहने की बात नहीं बोल रहा, दिल से कहता हूं। तो जब आप दिल से कहते हैं तो आप ये कह सकते हैं, प्रभु मेरा दिल भटक रहा है, लेकिन आप ये अनुग्रह मुझ में डालें कि मैं आपसे ये कह सकूं कि प्रभु मुझे आपसे प्रेम करना है। और जब प्रभु वो अनुग्रह देता है तो फिर आप कह सकते हैं, प्रभु मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो समझ रहे हैं, सेवा आपकी योग्यता के आधार पर परमेश्वर नहीं देता है, आपकी पढ़ाई के आधार पर प्रभु नहीं देता है। आपको एक जिम्मेदारी, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप अच्छे खानदान से हैं, आप अच्छा कीबोर्ड बजाते हैं, अच्छा बोलते हैं, इसलिए आपको सेवा नहीं मिलेगी। आपको सेवा इसलिए मिलेगी क्योंकि परमेश्वर ने आपको ठहराया है, आपको सामर्थ्य दी है, और सामर्थ्य देने के बाद क्या, आपको विश्वास योग्य जानकर, और ये हमको बन के दिखाना है, परमेश्वर अपनी सेवा आपको देगा। वापस पढ़ू मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दिए। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं ना, कुछ भी आप करते हैं और आपको लगता है मैं ये करता हूं, हर आदमी में 10 ग्राम घमंड तो होता ही है, कुछ लोगों के अंदर किलो भर होता है, पाव भर होता है, लेकिन सच्चाई क्या है, आपको ये याद रखना, जो कुछ मैं कर पा रहा हूं ये प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा कर रहा हूं। यशायाह 26 अध्याय से एक आयत मुझे याद आ रही है, मैं आपको उसे पढ़कर बताता हूं। यशायाह 26 के अंदर क्या लिखा है देखिए, 12 और उसके दूसरे भाग में, हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है, हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। अब वो अपना परिचय दे रहा है, वो कौन था पहले, क्योंकि उसके इतिहास को अगर आप देखोगे तो आपको जरूर लगेगा इसको तो सेवा मिलनी नहीं चाहिए थी। तो वो कहता है, मैं तो पहले निंदा करने वाला, 3 बातें बोलेगा, निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला था। निंदा करने वाला या ईश निंदा, प्रभु यीशु के अनुयायियों को वो मारता था, आपको याद होगा स्तेफनुस की हत्या के समय पर वो वहां पर खड़ा था, चश्मदीद गवाह था, कैसे स्तेफनुस वहां पर पत्थरों से मारा जा रहा था। इसलिए वो कहता है, मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी क्या हुआ, मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। पौलुस कह रहा है 3 बातें, कैसा था, निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, मुझे दंड मिलना था, मुझे दंड नहीं मिला, मुझ पर दया हो गई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। 14 आयत में लिखा है, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। पौलुस कह रहा है, मुझ पर जो सताने वाला था, निंदा करने वाला था और अंधेर करने वाला था, मुझ पर परमेश्वर की दया हुई। और वो कैसे हुई, वो कहता है उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुई। बहुतायत से हुई, थोड़ी मात्रा नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुतायत से मुझ पर हुई। देखिए, आपका परमेश्वर कंजूस नहीं है। मैं और आप कुछ देते हैं तो गिन के देते हैं, गिन के लेना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव बहुतायत का स्वभाव है।
प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:10 में क्या बोला, मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, भरपूरी से तुम जीवन पाओ, भरपूरी का जीवन तुम पाओ। बार बार ये शब्द परमेश्वर के कार्यों के लिए आया है, भरपूरी, बहुतायत, अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स है, असीमित आशीष है। और वही यहाँ पर पौलुस कहता है, मुझ पर जो दया हुई ना वो बहुतायत से हुई, ऐसी दया हुई कि मैं विरोध करने वाला, हत्यारा, अंधेर करने वाला आदमी, अब इस दया जो मुझ पर हुई उसके कारण वही सेवा मैं अब कर रहा हूँ। इतनी बड़ी दया जिसने मुझ जैसे इंसान को बदल दिया। अब आप देखिए आगे वो क्या कहेगा 15वीं आयत में, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। पौलुस ये जो शैली है ना, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, 5 बार इस्तेमाल करता है। पहली बार यहाँ पर आपने देखा, उसके बाद 3 अध्याय की 1 आयत में भी, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। और उसके अलावा 4 अध्याय की 9वीं आयत में, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। ये पौलुस की शैली है कहने के लिए, जोर देकर कहने के लिए। प्रभु यीशु मसीह भी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब भी वो वाक्यांश आया, सच सच कहता हूँ, तो गौर देने लायक बात प्रभु यीशु वहाँ पर कह रहे थे। उसी प्रकार अपनी शैली यहाँ पर वो स्थापित कर रहा है और वो कह रहा है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है। अब आप देखिए, ऐसा कह दिया तो आपको गौर देना पड़ेगा वो आगे क्या कहना चाहता है। एक बार और पढ़ूं, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, सबसे बड़ा मैं हूं। वापस पढ़ूं मैं, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। सच है, मानने के योग्य है, दो बातें हो गई, सच है और मानने के योग्य हो गई। क्या मसीह यीशु पापियों का नाश करने नहीं, पापियों का उद्धार करने के लिए आया। व्यवस्था मारती है, यीशु जीवन देता है। व्यवस्था कैद करना चाहती है, लेकिन यीशु रिहा करना चाहता है। उसके कार्यों के आधार पर दंडित करना चाहती व्यवस्था, लेकिन कार्यों को देखकर ही नहीं, व्यक्ति को एक नया मौका, एक और मौका प्रभु यीशु देना चाहता है। इसलिए वापस बोलू मैं, सच हर प्रकार से मानने योग्य कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जगत में आया। चौथी बात, उसकी अहमियत क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। परमेश्वर थोड़े से लोगों को बचाने के लिए नहीं है, कुछ क्रिश्चियंस को बचाने के लिए नहीं, मानव समूह के लिए, मानव जाति के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर, जो कोई एक पुराना इंग्लिश गीत है, उसमें गीतकार कहता है, पृथ्वी के लोगों को ही नहीं, अगर आबादी और कहीं भी है और किसी ग्रह पर भी है, वहां के लोगों के लिए भी ये उद्धार का प्रावधान किया गया है। तो सच है, मानने योग्य है, यीशु पापियों को बचाने के लिए आया और जगत भर के, हर जगह के पापियों को बचाने के लिए आया। फिर वो कहता है, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। ये सुसमाचार व्यक्तिगत है, सबको राशन मिल रहा है इसलिए मुझे भी मिल जाएगा, ऐसा अनुमान मत लगाइए आप। सबको आशीष मिल रही है, सब पर कृपा हो रही है, इसलिए मुझे भी कृपा मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। पर्सनलाइज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, विश्वास का हाथ बढ़ाकर जो आपके लिए प्रावधान है उसे आपको लेना पड़ेगा। यह है सुसमाचार की खूबसूरती, सबके लिए है, लेकिन हर व्यक्ति को विश्वास के द्वारा उसे स्वीकार करना पड़ेगा। सुसमाचार, खुशखबरी। क्या है खुशखबरी? सच बात, मानने योग्य, मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए। बहुत खूबसूरत, वापस मैं बोलना चाहता हूँ, मसीह यीशु पापियों को नाश करने नहीं, दंडित करने नहीं, शर्मिंदा करने नहीं, उनकी पोल खोलने के लिए नहीं। आज अखबार पढ़ रहा था मैं, तो वहां पर अखबार में भी ऐसी शैली आने लग गई। अखबार में लिखा है, उस
व्यक्ति की पोल खोलने के लिए। मैंने बोला ऐसे आप पोल क्या खोलोगे आप, हैं? शर्मिंदा करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से शर्मिंदा करने के लिए नहीं, पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, सबसे बड़ा मैं हूं। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पौलुस आ गया है और वो क्या कह रहा है, पापियों की सूची में मैं सबसे बड़ा हूं। एक अध्ययन अगर आप करोगे तो एक समय था पौलुस कहता है मैं प्रेरितों में हूं, मेरी गिनती प्रेरितों में होनी चाहिए। कुछ और सेवा करने के बाद वो कहता है विश्वासियों में मेरी सूची होनी चाहिए, और जीवन के अंत में आते आते वो कहता है पापियों की सूची में मेरा नाम टॉप पर है। आप समझ रहे हैं, दोनों ग्राफ उल्टे चल रहे हैं। जितना समय आप प्रभु के साथ चलोगे उतना आपका घमंड कटेगा। शुरू में जो आप क्लेम कर रहे थे कि मैं प्रेरित हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जीवन के अंत में आते आते प्रेरित पौलुस बोल रहा है प्रेरित छोड़ो, विश्वासी का टाइटल छोड़ो, मेरे को पापियों की सूची में रख दो, क्योंकि मुझे मालूम है मुझ में कुछ भी भला नहीं है, मैं जो हूं उसके अनुग्रह से मैं हूं। आपकी अवस्था कैसी है, आप आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप निरंतर दूसरों से तुलना तो नहीं करते, उनको देखो इनको देखो। कुछ लोग तो सुधरने का भी इसी वजह से इंतजार करते हैं कि कोई मुझे मिले तब मैं सुधरूं। बहुत देर हो जाएगी, लेकिन यहां देखिए क्या कह रहा है वो, जिनमें सबसे बड़ा पापियों की सूची में अपने आप को प्रभु का दास डाल रहा है, कह रहा है जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। 16 पर मुझ पर इसलिए दया हुई। अब देखिए बहुत एक अच्छा कारण वो पेश कर रहा है, मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपने पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। मुझ पर दया हो सकती है तो आप पर भी दया हो सकती है। पौलुस ऐसा कह रहा है अगर मैं सुधर सकता हूं आप भी सुधर सकते हो, अगर मैं अनंत जीवन का वारिस बन सकता हूं तो आप तो बन ही सकते हो। पौलुस कह रहा है मैं निम्न हूं, मुझ पर दया हुई तो आप पर जरूर होगी, आप पर जरूर होगी। और फिर 17वीं आयत में वो एक मानो कविता, एक गीत, एक स्तुति और आराधना का एक गीत वहां पर उगाने लगता है। जब सोचता है ना कैसे मेरा उद्धार हुआ, कहां मैं जा रहा था, मेरी हालत क्या थी, मैं कौन था और अब मैं क्या हूं, मुझे प्रभु ने इतनी बहुतायत की आशीष दी है, तो तुरंत उसके मुंह से स्तुति गान निकलने लगता है। और अब वो कहता है अब सनातन राजा, सनातन राजा बेसिलिया, राजा के विषय में वो चार बातें कहेगा। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर। सनातन पहले उसने बोल दिया है, ये राजा का वर्णन कर रहा है और राजा और कोई नहीं उसका परमेश्वर है। सनातन अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर, एक बार और बोलूं, सनातन अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे, युगान युग होती रहे, आमीन। इस प्रकार वो कहता है। तो यहां पर दूसरा भाग खत्म हो गया। तो पहला भाग झूठी शिक्षा से बचना, प्रेम को बढ़ावा देना तिमुथियुस, दूसरे भाग में वो खुद अपनी गवाही देता है और गवाही बोलते बोलते प्रभु को धन्यवाद करने लगता है और वो चार शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहता है सनातन अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर की महिमा युगान युग होती रहे। लेकिन एक तीसरा भाग है इसी अध्याय के अंदर 18, 19 और 20, और वहां पर फिर वो कहता है हे पुत्र तिमुथियुस, प्रेम भरा संबोधन, हे पुत्र तिमुथियुस उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, चौथे अध्याय में आप आएंगे उसके 14 आयत में देखिए 4:14 में क्या लिखा है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था। इसका मतलब उसको दीक्षा दी गई थी तिमुथियुस को, प्राचीनों के मध्य में लोग इकट्ठा हुए होंगे, सबके सामने सेवकाई में निकलते समय उस पर हाथ रखकर लोगों ने भविष्यवाणी करी होगी, उसे अफर्म किया होगा, उसे मजबूत किया होगा, उसको एनकरेज किया होगा। और वह पौलुस कह रहा है उन भविष्यवाणियों को याद कर
जो तेरे लिए कही गई थी। और कब? जब तुझ पर हाथ रखकर हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। 6:12 में भी एक उदाहरण वहां पर आएगा। 6:12 देखिए, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। मैं क्या बोल रहा हूं? भविष्यवाणी के विषय में प्रेरित के काम 13 अध्याय की पहली आयतों में हम पढ़ते हैं, अन्ताकिया की मंडली के अंदर कई भविष्यद्वक्ता थे। भविष्यद्वक्ता कौन है? जो आने वाली बातें बताता है, हाथ देकर बताता है, वो भविष्यद्वक्ता नहीं। भविष्यद्वक्ता वचन के आधार पर परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के लोगों को बताने वाला परमेश्वर का जन है भविष्यद्वक्ता। और उसके अंदर आने वाली बातें भी हो सकती है, लेकिन वचन का खुलासा भी उसके अंदर सम्मिलित है। उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ तेरे को, मैं आदेश दे रहा हूँ। तू कमज़ोर पड़ता है, तू फीका पड़ता है, तू बोल नहीं पाता, तू लोगों को देखकर घबरा जाता है, तू सोचता है सुनेंगे कि सुनेंगे, तू संकोच करता है, इसलिए मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं आदेश दे रहा हूँ। क्या आदेश दे रहा हूँ? कि तू उनके अनुसार, यानी कि उन भविष्यवाणियों के अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे, अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। ये क्या है अच्छी लड़ाई? 6:12 अपन ने अभी देखा। 6:12 में विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, यानी कि तेरे जीवन रूपी संघर्ष के अंदर विश्वास को जब तू लेकर चलेगा, संघर्ष आएंगे, सवाल खड़े होंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होंगे। एक कुश्ती के मैदान के समान तुझे लगे रहना पड़ेगा, तुझे लगे रहना पड़ेगा, और तू हारेगा नहीं, तू जीतेगा, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रभु आपसे बात कर रहा है। हालांकि पत्री पौलुस तिमुथियुस को लिख रहा है, लेकिन जब आज हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रभु मुझसे और आपसे बात कर रहा है। उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। फिर 19 देखिए, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। विश्वास को और अच्छे विवेक को थामे रहे, छोड़ मत। विवेक को साफ रखने के लिए कुछ भी करना पड़े तू कर, कुछ भी छोड़ना पड़े तू छोड़, लेकिन तेरा विवेक शुद्ध रहने पाए। विवेक क्या है? वो अंदर की भावना जो आपको भलाई की ओर ले चलती है और बुराई से रोकती है। विवेक, मैंने एक बार कहा था, वो लाल लाइट के समान है जो आपके अंदर है, जब आप गलत करने जाते हैं वो जलती है और आपको रोकती है और कहती है मत कर, मत कर, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अच्छा नहीं है, मत कर। अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। क्या शब्द लिखे पौलुस कह रहा है, अच्छे विवेक को और विश्वास को जो पकड़ के नहीं रखते हैं ना, उनका जहाज डूब जाता है। जीवन रूपी जहाज, विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है। उनको लग तो रहा है हम चल रहे हैं, लेकिन उनका जहाज डूब रहा है, डूब, और वो भी एकदम नहीं डूबता है। उस जहाज में जैसे छेद हो जाए और पानी बाहर की जगह जहाज के अंदर प्रवेश करने लगे, संसार की बातें जब जीवन के अंदर प्रवेश करने लगती हैं, वो जहाज डूबने लगता है। लेकिन पौलुस कहता है विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे। अच्छे विवेक, आपका कॉन्शियंस क्लियर होने पाए, आपके कॉन्शियंस की आवाज, अच्छे विवेक की आवाज को दबाना मत, क्योंकि आप बुरा करते जाओगे, उसकी अनसुनी करते जाओगे, तो विवेक की आवाज धीमी होती जाएगी। ऐसा नहीं कि विवेक चुप हो जाएगा, लेकिन विवेक बोलेगा, लेकिन आप उसकी नहीं सुन पाएंगे। क्यों नहीं सुन पाएंगे आपको मालूम? क्योंकि आपने उसको इग्नोर किया। इग्नोर मत करिए, अंदर से कुछ आवाज आपके आ रही है बुराई के विषय में, या भलाई के विषय में, या प्रभु के लिए कुछ करने के विषय में, या रोकने के विषय में। डू इट, सोचो मत, क्योंकि ये आवाज परमेश्वर की आवाज है जो उसने आपके अंदर डाल के रखी है। तो जो इसको पकड़ते नहीं है उनका क्या होता है? विश्वास रूपी जहाज डूब गया। आखिरी आयत, उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर हैं, दो आदमियों का नाम लेकर पौलुस कह रहा है। उन्हीं में से, बहुत लोग हैं, उनमें से दो नाम मैं तेरे को बताता हूं, उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है। अरे बाप रे, गलत शिक्षा वो लोग दे रहे हैं, नई शिक्षा वो लोग लेकर आ रहे हैं, समझाने का प्रयास किया वो समझ नहीं रहे, इसलिए क्या किया मैंने उन्हें शैतान को सौंप दिया है। ये कैसा प्रयोग है साहब, शैतान को सौंप दिया? 1 कुरिन्थी 5 अध्याय देखिए, 1 कुरिन्थी 5:5 में क्या लिखा है मालूम? मैं आपको पढ़कर बताता हूं।
पहला कुरिन्थी 5:5 अनैतिक व्यभिचारी के विषय में पौलुस कह रहा है, बहुत स्ट्रिक्टली कह रहा है, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। ये आदमी जो मान नहीं रहा, गलत काम कर रहा है, हैं अनैतिक संबंध बना रहा है, हम बोल रहे हैं तो भी मान नहीं रहा है, इसको तुम शैतान को सौंप दो, यानी कि तुम अपने में से उसको अलग करो, ताकि शैतान के द्वारा दंडित होने के द्वारा अगर वो सुधरना चाहे तो सुधर जाए और फिर से समूह में ले लिया जाए, और अगर सुधरे ना उसके लिए दंड रखा गया है। उन्हीं में से ह्यूमिनियस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखें, परमेश्वर की निंदा करना न सीखें। निंदा कैसे? न केवल शब्दों से, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन से भी परमेश्वर की निंदा होती है। हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारा व्यवहार, हमारा बड़बोलापन, हमारी उतावली है, हमारे लेने देने में सफाई की कमी, गलत हस्ताक्षर, बहुत सारी बातें। और हम तो सोचते हैं चलता है, कौन देखता है? आपको लगता होगा कौन देखता है? एक चीज और बोल दूं, लेट पहुंचे तो भी अपन टाइम से हस्ताक्षर लिख रहे हैं, गलत वाउचर पर साइन करना, पैसे खर्च नहीं किए तो भी खर्चा बना दिया, और पैसे भी मिल गए और खर्च भी कर दिया, और शायद उसमें से एक हिस्सा प्रभु को भी दे दिया। हमको लग रहा होगा प्रभु भी खुश हो गया, मैं भी खुश हो गया। लेकिन आपका विवेक अभी भी अच्छा और सच्चा है? ये शब्द और आएगा आगे 3:9 पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। विवेक, पैसा, संबंध, आदत, लोग, आना जाना, बहुत केयरफुल रखना। कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमको प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना चाहिए। तो पहले अध्याय के अंदर हमने देखा अभिवादन है, उसके पश्चात पहले भाग के अंदर झूठे शिक्षकों या नई शिक्षाओं के लाने वालों के विरुद्ध चेतावनी है, प्रेम को बढ़ावा देने के लिए अनुरोध है। दूसरे भाग के अंदर पौलुस गवाही दे रहा है, और तीसरे भाग के अंदर चेतावनी दे रहा है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।